आसिबा संपूर्ण खबर को समुद्र रे माड़ी आसुची महाबात्या इनामोर जापान और ताइवान उपकूल रे जोरदार प्रभाव पकाउथुबा बेले दक्षिण कोरिया रे एहारो अधिक प्रभाव पड़ीबा मने हेलानी आ अनुमान करा जाउची जे आजि राति रे एहा बुसान निकट रे करि पारे लैंडफॉल सामुद्रिक बात्या कुने चालीची घन घन ट्रेकिंग आ एहा कुने देखिबा महाबात्या लैंडफॉल आजि राति रे हेबा को अछि एही महाबात्यार लैंडफॉल धीरे धीरे माड़ी आसुची सुपर टाइफून इनामोर एही भयंकर सामुद्रिक झड़ आज राति रे दक्षिण कोरिया रे करिबो लैंडफॉल जापान चीन ओ कोरिया रे देखिबा को मिलिलानी जोरदार प्रभाव वर्तमान कैटेगरी टू वर्ग रे स्थान पाइछि एही सुपर टाइफून इनामोर आ इहार प्रभाव रे जापान रो समुद्रकूल अंचल रे पवन जोरदार माड़ हेउछि दक्षिण कोरिया रे एही सामुद्रिक बात्या को नै सबुठु अधिक सतर्कता जारी करा जायछि आज भारतीय समय राति 8टा बेले बुसान पाखापाखी अंचल रे लैंडफॉल करिवार संभावना रहिछि तबे सैटेलाइट चित्र रे एहार केन्द्रस्थल रे आखि अति स्पष्ट भाव रे देखा गलानी एहार धीर गति कारण रु आगो को एहा अधिक शक्तिशाली हेबा अनुमान करा जाउछि तबे चलित वर्षर सबुठारु बड़ बात्या पूर्व चाइना समुद्र दे स्थलभाग आड़ को मारि आसुछि ए बात्या जापान रो दक्षिण पूर्व द्वीपपुंज गुड़िक प्रति विपद सृष्टि करिछि एथसहित चाइनार पूर्व उपकूल सहरगुड़िक प्रति बात्यार विपद रही सुपर टाइफून इनामोर प्रभाव में वर्तमान समुद्र मध्य घंटा प्रति 257 किलोमीटर बा 160 माइल बेगरे पवन बोहिबार नजीर मध्य देखागला यार झटका घंटा प्रति 195 माइल रही बेले आमेरिका जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर पक्ष एने सूचना दि जाए तेज यार प्रभाव में समुद्र जुआर 50 फुट बा 15 मीटर उच्च को मध्य उठी पारे माड़ी आसुची सामुद्रिक बात्या इनामोर आउ एहाकु नै सबुठु अधिक सतर्क होइथिबा देश हेउछि दक्षिण कोरिया दक्षिण कोरिया सरकार सबुठारु अधिक आलर्ट जारी करिछन्ति सामुद्रिक बात्या कारणरु दक्षिण कोरिया रे विमान सेवा बातिल करि दिया जायछि दक्षिण कोरिया रे समस्त स्कूल कॉलेज को छुट्टी घोषणा करा जायछि वाणिज्यिक प्रतिष्ठान गुड़िक मध्य बंद रखा घोषणा करा जायछि तबे सामुद्रिक बात्या इनामोर प्रभाव रु दक्षिण कोरिया रे प्रबल वर्षा पवन जारी रहिछि दक्षिण कोरिया रो दक्षिण दिगरु घंटा प्रति 33 किलोमीटर बेगरे माड़ी आसुछि महाबात्या दक्षिण कोरिया रो बुसान सहर निकट रे एहा लैंडफॉल करि पारे ते मंगलवार बॉडी भोर रे एहा बुसान ने अधिक प्रभाव देखाइबो आउ जरूरीकालीन सेवा को सतर्क स्थिति रे रखिबा को दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति निर्देश इनामोर कारण रु सर्वनिम्न क्षति होबा को कोरिया सरकार को उद्यम जारी रहिछि एवं इनामोर माड़ होबा समय रे समुद्र रे सुनामी आशंका भी करा जाउछि दक्षिण कोरिया परे जापान नो सापोरो आड़ को मुहाइब इनामोर एवं यार प्रभाव रे जापान ने किसी जगार यार क्षयतिर प्रभाव मध्य पड़ आकलन करा पूर्व जापान सरकार समस्त प्रस्तुति कर तबे संपर्क में अधिक सूचना एवं आलोचना पाई आम सहित रही प्रोफेसर संदीप पटनायक पाणिपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर पटनायक आपको स्वागत करुच्छे न्यूज एट ओडिया को प्रोफेसर पटनायक गोटे कथाटी जानापी चाहिबू जेतेबेले एभोली बात्या आसे विशेष करी सरकारी कल समस्त बल खटांती किभोली कम क्षयति हेबो किंतु ए जो बात्या रहिछि बा एहा 2022 रो सबुठारु शक्तिशाली महाबात्या कुहा जाउछि एहार प्रभाव जेतेबेले दक्षिण कोरिया उपरे पड़िबो जापान उपरे पड़िबो केते मात्रा रे प्रभाव पड़िबो बोली आपनकर अनुमान पवन रो वेग केते रहि पारे नमस्कार बर्तमान टी अवस्थिति विषय में आपको अवगत करे नियर अबाउट 390 किलोमीटर रोच से दक्षिण पश्चिम रे बुसान शहर रु आ 22 किलोमीटर पर आवर रे आगो को बढ़ुची तार आई रो जो रेडियस रोच 10 रु नहीं कि 12 किलोमीटर पर्यंत तार जो विंग रो मात्रा रोच वर्तमान 180 रु 200 किलोमीटर गस्ट 200 रु 220 किलोमीटर कैटेगरी 3 मेंटेन करुची और से इंटेंसिफाइड है कि अच्छी आउ वर्तमान तार प्रोग्रेस बहुत टिके रैपिड अच्छी कोरिया आड़े तेणु प्रभावटा एबेठु नहीं कि आपणकर 6 तारीख आफ्टरनून पर्यंत कि संध्या पर्यंत रहिवार बहुत संभावना रहुची
जो भूसान सहर पाखापाखी अंचल जो विंग स्पीड वर्तमान जो प्रोजेक्शन जना पड़ी जो 180 रु नहीं कि 190 160 रु नहीं कि 190 किलोमीटर आउ गस्ट 200 रु 300 किलोमीटर पर विंड ही पारे इट्स अ कैटास्ट्रोफिक स्टॉर्म आउ सब इंपैक्ट दब बर्षार विंड जो तार जो तड़े गोटे जीजो अच्छी से वर्तमान इंपैक्ट चली रेनफॉल चली जापान परस्पेक्टिव देखिले साउथ जापान रो जो अंचल नागासाकी ये सब अंचल भी विंड पाइबे किंतु विंड रो मात्राटा कम रहिबो साउथ जापान रे 80 रु नै कि 90 पर्यंत किंतु कोरिया मैसिव डैमेज पाइबो तबे जो कैटेगरी रे वर्तमान चयन करा जाउछि कैटेगरी 4 पूर्वरु थिला वर्तमान कैटेगरी 2 रे रहिछि इनामोर कैटेगरी 2 माने कोन एहा प्रभाव केते रहिबो केते बेगरे पवन बहिबो जते बेले कैटेगरी 2 कु गोटिए बात्या कु तार आकलन करा जाय कैटेगरी 2 बोली आज्ञा कैटेगरी 2 हमर साफिर सैमसन स्केल रे 154 रु 177 किलोमीटर बेगर रहिले कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 रहबो 178 टू 308 किलोमीटर पर आवर रे वर्तमान ये कैटेगरी 3 अछि एंटीसिपेशन करा जाउछि जे नेक्स्ट 12 घंटा रे ये कैटेगरी 2 आसीबो किंतु अपर एंड कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 सेही इंटेंसिटी से मेंटेन करिवार बहुत संभावना रहउछि कारण बहुत कम समय रहिला से साउथ कोरिया पेनिनसुला को एंटर करिवा पई तेनु वर्तमान तो फ्लाइट सब रिस्ट्रिक्शन हे जाइछि स्पीड रेल बंद अछि आउ सी पा फेरी एक्टिविटीज बंद अछि ओकिनावा अंचल रु नियर अबाउट लक्ष लोक को इवाकुएट करा सैलाणी प्रिकॉशनरी मेजर निहा हिची कारण कोरिया ए भड़िया स्टॉर्म बहुत दिन तळे 1959 रे गोटे स्टॉर्म कैटेगरी 3 एक्सपीरियंस करितला तापरे आउ गोटे स्टॉर्म मियामी करके 2003 रे एक्सपीरियंस करतला किंतु ये सबटु इंटेंस स्टॉर्म साउथ कोरिया को इंपैक्ट करिवारो बहुत इंटेंस विंड रहिबो तनु प्रोफेसर पटनायक जेतिके मात्रा रे वर्तमान सुधा आकलन करा जाउछि जे समुद्र रे पाखापाखी 15 फुट उच्चारो बा 50 फुट रो अधिक उच्चारो लहड़ी भी उठी पारे एवं एहा द्वारा सुनामी भी आसी पारे सुनामी आशंका आपण केते देखुछंती जहां वर्तमान सुधा अनुमान करा जाउछि नाही सुनामी रो आशंका नाही कारण सुनामी टा आसे केवल अर्थक्वेक रे समुद्र जदि आपणकर भूकंप हबो ताले सुनामी रे आसीबो एटा को आमे कहूछु स्टॉर्म सर्ज आपणकर जदि एते कैटेगरी रो इंटेंस कैटेगरी 3 रो स्टॉर्म लैंड को एंटर करिवो ते बहुत स्टॉर्म सर्ज करिवो 2 रु नै कि 6-7 मीटर पंत जो हमर वेव हाइट आसी पारे आ ता पई कि भी नियर अबाउट जो कोस्टल रीजन भी मते लागुछि इवैक्यूएशन मैंडेटरी थिबो नेक्स्ट जो 24 रु 36 घंटा आसुची एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सिचुएशन पर्टिकुलरली फॉर कोरिया आ ता परे 7 तारिख दिन तार से लाइफ साइकिल रशिया ऊपर भी बरसा दबो 7 तारिख दिन तार लाइफ साइकिल जो अगस्त 37 रु आरंभ होइतला ये नियर अबाउट 18 दिन परे तार लाइफ साइकिल एंड करिवो किंतु नेक्स्ट जो 24 रु 36 घंटा आसुची डैमेज तो हबो कैजुअलिटी भी आसी पारे तबे आर जो प्रभाव रे इनामोर रो प्रभाव उपकूल रु केते दूर पर्यंत अनुभूत हेबो बोली अनुमान करा जाउछि वर्तमान सुधा नै वर्तमान जे तार आपण जदि देखिबे गोटे हमर सब थाय रे मैक्सिमम रेडियस जो 170 रु 180 किलोमीटर जो विंड रेडियस ता रहउछि सेटा 150 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर रु रहउछि जो 90 रु 110 किलोमीटर जो विंड ता रहउछि सेटा 250 किलोमीटर फ्रॉम द स्टॉर्म रहउछि जोड़ा 70 रु 90 किलोमीटर रोच सेटा 400 किलोमीटर पर्यंत परिव्याप्त अच्छी फ्रम द सेंटर तेणु जापान रो जो डिस्ट्रिक्ट माने माने स्टेट माने अच्छंती जेमती रिको आइलैंड नागासाकी कागोजिमा मियाजाकी एमाने सब 70 रु 90 इंपैक्ट पाइबे किंतु कोरिया रे जिजो आइलैंड बुसान उलसान जेनोबक जेनोनाम ई जो प्रोविंस गुरा अछंती निश्चित भाबरे प्रोफेसर पटनायक आमे कहि परिबा जे वर्तमान अपेक्षा रहिला प्रशासन पक्षरु समस्त प्रस्तुति करा जाय कलीग्स थैंक यू फॉर पुटिंग योर फेथ इन मी टू लीड आवर ग्रेट कंजर्वेटिव पार्टी द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑन अर्थ I know that our beliefs resonate with the British people. Our beliefs in freedom, in the ability to control your own life, in low taxes, in personal responsibility. And I know
That's why people voted for us in such numbers in 2019. And as your party leader, I intend to deliver what we promised those voters right across our great country. During this leadership campaign, I campaigned as a Conservative and I will govern as a Conservative. And my friends, we need to show that we will deliver over the next 2 years. I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. I will deliver on the energy crisis, dealing with people's energy bills, but also dealing with the long-term issues we have on energy supply. And I will deliver on the National Health Service. But we all will deliver for our country. And I will make sure that we use all the fantastic talents of the Conservative Party, our brilliant members of Parliament and peers, our fantastic councillors, our MSs, our MSPs, all of our councillors and activists and members right across our country. Because my friends, I know that we will deliver, we will deliver, and we will deliver. And we will deliver a great victory for the Conservative Party in 2024. Thank you. Thank you. देखिपे ब्रिटेन नुआ प्रधानमंत्री भाव में लीज ट्रस एटी होती नाम घोषणा कर बोरिस जॉनसन पर नुआ पीएम होती ब्रिटेन लीज ट्रस ऋषि सुनक और लीज ट्रस दुई जन ना को लेकिन खूब चर्चा रोला किए परवर्ती प्रधानमंत्री हेब ब्रिटेन तेज बोरिस जॉनसन पर नुआ प्रधानमंत्री भाव क्या चयन कर ब्रिटेन ताकू नहीं खूब कल्पना जल्पना लग रहा लीज ट्रस को जदि आम देखा ऋषि सुनक लगातार भाव में टक्कर दे चली कि भाव में जो तर प्रोसेस रही प्रधानमंत्री चयन करने प्रोसेस रही पब्लिक डिबेट रही आम देखा लगातार भाव में लीज ट्रस ये लीड करुले शेष में ब्रिटेन प्रधानमंत्री भाव में लीज ट्रस ना घोषणा कर आज गुरु दिवस अवसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मनोनीत शिक्षक मान जय पुरस्कार से सम्मानित करेर छयालीसम शिक्षक को सम्मानित करमानित शिक्षक मध्य अच्छा पूरी जिलार ईश्वर चंद्र नायक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज समस्त सम्मानित शिक्षकों सहित आलोचना करवसर केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित अच्छा तेज गुरुदिवस अवसर में शिक्षकों सहित आलोचना करुछंती प्रधानमंत्री मोदी जातीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों सहित प्रधानमंत्री आलोचना करुछंती परंपरा रही है वो किताबों तक सीमित कभी नहीं रही है कभी नहीं रही है वो तो एक प्रकार से सहारा है हमारे लिए हम बहुत सी चीजों और आज टेक्नोलॉजी के कारण ये बहुत संभव हुआ है और मैं देख रहा हूं कि टेक्नोलॉजी के कारण बहुत बड़ी मात्रा में
हमारे गांव के टीचर भी जो स्वयं टेक्नोलॉजी का उनका पढ़ाई नहीं हुई है लेकिन करते करते वो सीख गए और उन्होंने फिर सोचा कि क्योंकि उसके दिमाग में स्टूडेंट भरा पड़ा है, उसके दिमाग में सिलेबस भरा पड़ा है, तो वो चीजें प्रोडक्ट तैयार करता है जो उस बच्चे के काम आती है। यहां सरकार में बैठे हुए लोगों के दिमाग में क्या रहता है, आंकड़े रहते हैं कि भाई कितने टीचर भर्ती करना बाकी है, कितने स्टूडेंट का ड्रॉप आउट हो गया, बच्चियों का एनरोलमेंट हुआ कि नहीं हुआ, उनके दिमाग में भी रहता है लेकिन टीचर के दिमाग में उसकी जिंदगी रहती है, बहुत बड़ा फर्क होता है। और इसलिए अगर टीचर इन सारी जिम्मेवारियों को ढंग से उठा लेता है, अब हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसकी इतनी तारीफ हो रही है जी, इतनी तारीफ हो रही है, क्यों हो रही है, उसमें कुछ कमियां नहीं होगी ऐसा तो मैंने दावा नहीं कर सकता हूं, कोई नहीं दावा कर सकता है, लेकिन जो लोगों के मन में पड़ा था उनको लगा यार ये कुछ रास्ता दिख रहा है, ये कुछ सही दिशा में जा रहे हैं, चलिए उस रास्ते पर हम चलते हैं। हमें पुरानी आदतें इतनी घर कर गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक बार पढ़ने सुनने से बात बनने वाली नहीं है जी। महात्मा गांधी को कभी एक बार किसी ने पूछा था कि भाई आपको कुछ मन में संशय हो, समस्याएं हो तो क्या करते हैं, तो कहा मैं मुझे भागवत गीता से बहुत कुछ मिल जाता है। इसका मतलब वो बार बार उसको पढ़ते हैं, बार बार उसके अर्थ बदलते हैं, बार बार नए अर्थ दिखते हैं, बार बार नया प्रकाशमान पुंज सामने खड़ा हो जाता है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी जब तक शिक्षा जगत के लोग उससे हर समस्या का समाधान उसमें है क्या, 10 बार पढ़े, 12 बार पढ़े, 15 बार पढ़े, सॉल्यूशन इसमें है क्या, उसको उस रूप में हम देखेंगे। एक बार आया है चलो सर्कुलर आता है वैसे देख लिया तो नहीं होगा, उसको हमने हमारी रगों में उतारना पड़ेगा, हमारे जहन में उतारना पड़ेगा। अगर ये प्रयास होता है तो मुझे पक्का विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में हमारे देश के टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, लाखों की तादाद में टीचर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है इसको बनाने में, पहली बार देश में इतना बड़ा मंथन हुआ है। जिन टीचर्स ने इसे बनाया है उन टीचर्स का काम है कि उसको सरकारी भाषा वगैरह बच्चों के लिए काम नहीं आती है, आपको माध्यम होना होगा कि सरकारी ये जो डॉक्यूमेंट है वो उनके जीवन का आधार कैसे बने, मुझे उसको ट्रांसलेट करना है, मुझे उसको फुल स्टॉप कॉमा के साथ पकड़ते हुए भी उसको सहज सरल रूप में उसको समझाना है। और मैं मानता हूं कि जैसे कुछ नाट्य प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसे राइटिंग होता है, कुछ वक्तृत्व स्पर्धाएं होती हैं, बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चाएं करनी चाहिए क्योंकि टीचर उनको तैयार करेगा, जब वो बोलेंगे तो एक आध चीज नहीं आपको भी उभर करके आएगी, तो ये एक प्रयास करना चाहिए। आपको मालूम है कि अभी मैंने 15 अगस्त को आजादी के 75 साल का ये मेरा भाषण था तो उसका एक अपना अलग मेरा मिजाज भी था, तो मैंने 2047 को ध्यान में रखकर के बातें की और उसमें मैंने आग्रह किया कि पंच प्राण की चर्चा की, क्या उन पंच प्राण हमारे क्लासरूम में इसकी चर्चा हो सकती है क्या, असेंबली जब होती है चलिए भाई आज फलाना विद्यार्थी और फलाना टीचर पहले प्राण पर बोलेंगे, मंगल को दूसरे प्राण पर, बुधवार को तीसरे प्राण पर, शुक्रवार को 5वें प्राण पर, फिर अगले सप्ताह फिर पहले प्राण पर ये टीचर ये, यानी साल भर उसका अर्थ क्या है, हमें क्या करना है, ये पंच प्राण हमारे हमारा भी तो प्राण तत्व होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम कर सकते हैं तो मैं समझता हूं उसकी सराहना हो रही, सब लोग कह रहे हैं हाँ ये 5 प्राण ऐसे हैं कि हमारे
आगे जाने का रास्ता बना देते हैं। तो ये पांच प्राण उन बच्चों तक कैसे पहुंचे, उनके जीवन में कैसे आए, इसको जोड़ने का काम कैसे करेंगे। दूसरा, हिंदुस्तान में अब कोई स्कूल में बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके दिमाग में 2047 का सपना ना हो। उसको कहना चाहिए, बताओ भाई तुम 2047 में तुम्हारी उम्र क्या होगी, उसको पूछना चाहिए। हिसाब लगाओ, तुम्हारे पास इतने साल है, तुम बताओ इस साल इतने सालों में तुम तुम्हारे लिए क्या करोगे और देश के लिए क्या करोगे, हिसाब लगाओ। 2047 के पहले तुम्हारे पास कितने साल है, कितने महीने हैं, कितने दिन है, कितने घंटे हैं, तुम एक एक घंटे को जोड़ करके बताओ तुम क्या करोगे। तुरंत उसका एक पूरा कैनवास तैयार हो जाएगा कि हाँ आज एक घंटा चला गया, मेरा 2047 तो पास आ गया, आज दो घंटे चले गए, मेरा 2047 पास आ गया, मुझे 2047 में ऐसे जाना है, ऐसे करना है। अगर ये भाव हम बच्चों के मन मंदिर में भर देते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ, वो बच्चे लग जाएंगे। और दुनिया में प्रगति उन्हीं की होती है जो बड़े सपने देखते हैं, बड़े संकल्प लेते हैं और दूर की सोच करके जीवन को खपा देने के लिए तैयार होते हैं। हिंदुस्तान में 1947 के पहले एक प्रकार से दांडी यात्रा 1930 और 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जो 12 साल आप देखिए पूरा हिंदुस्तान उछल पड़ा था, सिवाय आजादी कोई मंत्र नहीं था, जीवन के हर काम में आजादी स्वतंत्रता ऐसा एक मिजाज बन गया था। वैसा ही मिजाज सुराज, राष्ट्र का गौरव, मेरा देश मुझे यहां पर, ये समय है हमें ये पैदा करने का। और मेरा भरोसा हमारे शिक्षक बंधुओं पर ज्यादा है, शिक्षा जगत पर भारा ज्यादा है, अगर आप उस प्रयास में जुड़ जाएं, मुझे पक्का विश्वास है हम उन सपनों को पार कर सकते हैं। और आवाज गांव गांव से उठने वाली है जी, अब देश रुकना नहीं चाहता है। अब देखिए, दो दिन पहले 250 साल तक जो हम पर राज करके गए थे, 250 साल तक, उनको पीछे छोड़ करके हम दुनिया की इकोनॉमी में आगे निकल गए। छह नंबर से पांच नंबर पर आने का जो आनंद होता है, उससे ज्यादा आनंद इसमें हुआ। क्यों? छह से पांच होते तो होता थोड़ा आनंद, लेकिन ये पांच स्पेशल है क्योंकि हमने उनको पीछे छोड़ा है। हमारे दिमाग में वो भाव बढ़ा है, वो तिरंगे वाला 15 अगस्त का, 15 अगस्त के तिरंगे का जो आंदोलन था उसके प्रकाश में ये पांचवा नंबर आया है, और इसलिए उसके अंदर वो जिद भर गई है कि देखा मेरा तिरंगा और फहरा रहा।